अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं सीधा टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टैकीकार्डिया। सो टैकीकार्डिया जो है वो हार्ट रेट का बढ़ जाना, नॉर्मल वैल्यू जो है हमारे पास हार्ट रेट की वो 60 to 100 होती है। तो अगर तो 100 से ज़्यादा हमारा हार्ट रेट हो जाए तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिवली टैकीकार्डिया को हम किस तरह मैनेज करते हैं, अब हमने इसे पहले हम ना मतलब रीज़न की तरफ जाते हैं कि टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है। हमने ये देखना होता है कि पेशेंट को कहीं पेन तो नहीं हो रहा, पेशेंट लाइट तो नहीं हो गया, या मतलब एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम तो नहीं हो गया, या हमारे मस्कुलर रिलैक्सेंट का टाइम पूरा तो नहीं हो गया। तो हम पेशेंट का एनल्जीजिया और उसकी सीडेशन को हम पहले देखते हैं, मतलब हम उसे नेलबिन देते हैं ताकि एनल्जीजिया उसका ठीक हो जाए, और हम हमारे अगर मसल रिलैक्सेंट का टाइम पूरा हो गया तो हम वो रिपीट कर लेते हैं। तो अगर इनसे भी हमारा टैकीकार्डिया ठीक नहीं हो रहा तो मतलब कि फिर वो एरिथमिया है, एरिथमिक टैकीकार्डिया है, तो उसे हम फिर ज़ाइलोकेन की मदद से या फिर कॉर्ड्रॉन की मदद से हम मैनेज करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि टैकीकार्डिया अगर तो पेन की वजह से हो रहा है या पेशेंट लाइट हो रहा है तो हमने उस चीज़ को डील करना है, हमारा टैकीकार्डिया खुद से सेटल हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।